हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय क्रिएटिव रूम। आज हम बनाना सीखेंगे ये शॉर्ट कुर्ती टू पेयर विद जीन्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लॉन्ग कुर्ती भी बना सकते हैं, बस आपको इसमें लेंथ लंबी करनी होगी। बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास कॉटन बंधेज प्रिंट वाला फैब्रिक है, ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर्स ऑफ फैब्रिक है। ये इसकी किनारी वाली साइड है। सबसे पहले हम इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे एंड उसके बाद चौड़ाई में उतना फोल्ड करेंगे जितने की हमें रिक्वायरमेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर कितना फोल्ड करना है फैब्रिक को? तो हमारा बॉडी का मतलब चेस्ट राउंड या हिप राउंड में से जो भी आपका मेजरमेंट ज़्यादा है उसको आप डिवाइडेड बाय 4 कर लो एंड उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लो। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे हिप 40 इंच है एंड चेस्ट 38 इंच है, तो मैं हिप का मेजरमेंट दे रही हूँ। 40 डिवाइडेड बाय 4 हो गया 10 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12। तो मैंने यहाँ से यहाँ फोल्ड में 12 इंच रखा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये टोटल फैब्रिक हमारे पास 1.5 मीटर था जिसको हमने लंबाई में फोल्ड किया था। लंबाई में फोल्ड करने के बाद इसकी जो टोटल लेंथ आ रही है वो 30.5 इंच आ रही है, जो कि मुझे रेडी कुर्ती की लेंथ 30 इंच चाहिए थी। अब ये 30 इंच नहीं आ पाएगी, अब इसकी लेंथ जो है अप्रॉक्स 28.5 इंच के आसपास आएगी। नीचे मैं पट्टी लगा के फोल्ड करूंगी इसको। चलो अब हम मार्किंग शुरू करते हैं। ये सबसे ऊपर मेरी शोल्डर लाइन है, शोल्डर लाइन से चेस्ट लाइन की दूरी के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। चेस्ट है हमारी 38 इंच, 38 को 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7.3। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, दो तरफ निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हम शोल्डर लाइन टू वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे, जो कि होगा 15 इंच विद मार्जिन, 15 इंच विद मार्जिन एंड शोल्डर लाइन टू हिप लाइन का निशान लगाएंगे 23 इंच पे विद मार्जिन। दोनों तरफ निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये हो गई मेरी शोल्डर लाइन, ये हो गई चेस्ट लाइन, ये है वेस्ट लाइन और ये है हिप लाइन। अब हम इन लाइंस के ऊपर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे। हमारा टोटल शोल्डर 15 इंच है, 15 का हाफ हो गया 7.5 इंच, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और सेम निशान हम चेस्ट लाइन पे भी लगा लेंगे। शोल्डर वाला निशान 7.5 इंच वाला हम चेस्ट लाइन पे भी लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहां से हम 1 इंच अंदर आ जाएंगे फ्रंट आर्म होल का निशान लगाने के लिए और ऊपर से यहां से हम 1/2 इंच शोल्डर ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे, नेक विड्थ जो हम लेंगे वो लेंगे 3 इंच, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो हमने शोल्डर ड्रॉप किया था यहाँ पे हम एक टेढ़ी लाइन इस तरीके से मिला देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ से जो 1 इंच अंदर हमने लिया था इसको हम, ये जो शोल्डर ड्रॉप वाला निशान था, यहाँ से हम इसको भी टेढ़ा मिला देंगे, ऐसे टेढ़े लाइन खींच देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम अपने बैक आर्म होल के लिए शेप देंगे। यहाँ से हम 1 इंच लंबा 45 डिग्री एंगल पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को मिलाते हुए ऐसे गोलाई में शेप दे देंगे। सेम तरीके से हम फ्रंट आर्म होल के लिए भी निशान लगाएंगे। जो 1 इंच अंदर गहराई वाला हमने निशान लगाया था ना, वो फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाया था, वहाँ से भी हम ऐसे टेढ़ा 1 इंच का निशान लगाएंगे 45 डिग्री एंगल पे और चौक से ऐसे गोलाई में शेप दे देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हमने फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल का निशान लगा लिया है यहाँ पर। अब हम चेस्ट लाइन पे मार्किंग करेंगे। चेस्ट राउंड था हमारा 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 9.5, 9.5 में 1 इंच ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10.5। तो अब हम चेस्ट लाइन पे निशान लगाएंगे 10.5 इंच का। वेस्ट लाइन पे मार्किंग करेंगे। वेस्ट राउंड थी हमारी 32, 32 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 8, 8 में 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे। ऐसे ही हिप लाइन पे निशान लगाएंगे। हिप राउंड था हमारा 40 इंच, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10, 10 में 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11, यहाँ पर हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ नीचे भी हम हेम लाइन के पास भी हम 11 इंच पे मार्क करके अब इन सारे निशानों को हम स्केल से मिला लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब साइड में हम 1 1 इंच की मार्जिन दे देंगे। ये जो मेरा स्केल है इसकी चौड़ाई 1 इंच है, तो अब हम साइड में 1 1 इंच की मार्जिन दे देंगे। अब कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बाहर बाहर कटिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि बैक आर्म होल की कटिंग पहले करेंगे, हम फ्रंट आर्म होल नहीं काटेंगे क्योंकि हम 4 लेयर में ही इसको काट रहे हैं। अब इस बचे हुए फैब्रिक को उठा के साइड में कर देंगे। नेक के पास से ये कपड़ा जुड़ा हुआ है तो यहाँ से हम कट करके दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे, फ्रंट पैनल और बैक पैनल को खोल के जो अंदर से निकलेगा ये बैक पैनल है, इसको बैक पैनल को हम साइड में रख देंगे और अब फ्रंट आर्म होल की गहराई कट कर लेंगे। दोनों पैनल्स के ऊपर निशान लगा लेंगे या लिख लेंगे या अपने आप से पहचान बना लीजिएगा कि कौन सा फ्रंट पैनल है और कौन सा बैक पैनल है, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम गला बनाएंगे। ये पेपर फ्यूजिंग है, पेस्टिंग बुकरम, अंदर की तरफ से शाइनी पार्ट है, बाहर की तरफ से ये रफ पार्ट है। इसको ऐसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, एंड ऊपर की तरफ हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से उबड़ खाबड़ है, टेढ़ा मेढ़ा है। अब हम यहाँ फोल्डेड साइड से, ठीक है, बाहर की तरफ 3 इंच का निशान लगाएंगे नेक की चौड़ाई का। खोलने पे ये 6 इंच हो जाएगा, फोल्ड में ये 3 इंच रहेगा। नेक की चौड़ाई का 3 इंच निशान लगाएंगे एंड हमें नेक का डिज़ाइन कैसा बनाना है, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया इस तरीके का हमको नेक का डिज़ाइन बनाना है। इसके लिए मैं नेक की जो गहराई है पहले एक 6 इंच पर निशान लगाऊंगी, फिर उसके बाद 8 इंच पर निशान लगा दूंगी। 6 इंच तक मेरे गले की गोलाई रहेगी और नीचे 8 इंच पर मैं वी बनाऊंगी। सेम निशान थोड़ी दूरी से भी लगा लेंगे, 6 इंच और 8 इंच पे,
ठीक है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइंस खींच लेंगे। अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। ऊपर हमने 3 इंच पर निशान लगाया था, तो नीचे भी हम 3 इंच पर निशान लगा के एक लाइन खींच देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे नेक की गोलाई का शेप देंगे। 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ कॉर्नर से 1 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। और इस निशान पे मतलब मैच करते हुए धीरे धीरे गोलाई की शेप दे देंगे। अब हम नेक में नीचे की तरफ वी का शेप बनाएंगे। वी का शेप बनाने के लिए यहाँ से हम 1/2 इंच की दूरी पे, फोल्डेड साइड से 1/2 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। और इसको नीचे ऐसा टेढ़ा मिला देंगे। अब ये जो हमने नेक बनाया है, ड्रॉ किया है, इसके बाहर की साइड में हम 1/1 इंच की मार्जिन दे लेंगे पूरे में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसी शेप में बिल्कुल 1/1 इंच की मार्जिन देते हुए एक आउटर शेप ड्रॉ कर लेंगे। अपने नेक को अब हम पिंस लगा के रोक लेंगे और इसको कट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ये कट हो गया, हम इसकी पिंस निकाल लेंगे और ये हमारे नेक की शेप बन के रेडी हो गई है। अब ये जो साइड का लेफ्ट ओवर फैब्रिक था, इसको हम ऐसे अपनी तरफ खिसका लेंगे और यहाँ से ये जो फोल्डेड साइड है, ऊपर की तरफ से ये फोल्ड है, ठीक है, और यहाँ से ये किनारी वाली साइड है ओपन, इसको हम इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड कर लेंगे। और इसमें से हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे और जो नेक बनाने के लिए हमें फैब्रिक चाहिए वो भी हम इसी में से निकालेंगे। अब ये मेरा फैब्रिक 4 फोल्ड में हो गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मेरे को अपनी रेडी स्लीव की लंबाई चाहिए 17 इंच। 17 में 1 इंच मार्जिन नीचे फोल्ड करने के लिए और 1/2 इंच जो कंधे में हम दबाएंगे तो हो जाएगा 18.5 इंच। तो मैं 18.5 इंच का निशान लगा के इतना फैब्रिक कट करके निकाल लूँगी, स्लीव्स के लिए अलग कर लूँगी। और ये जो फैब्रिक मेरा बचा है, इसके 2 टुकड़े हैं। एक टुकड़े को हम हटा के रख लेंगे, उसमें से हम अपनी पट्टियाँ काट के अपनी कुर्ती को नीचे से फोल्ड करेंगे अलग से पट्टी लगा के। और ये जो एक फैब्रिक बचा है, इसमें हम अपना बनाएंगे नेक। गला बनाने के लिए सबसे पहले हम इस फैब्रिक को बीचों बीच फोल्ड कर लेंगे, हाफ में फोल्ड कर लेंगे और प्रेस करके इसकी क्रीज बैठा लेंगे। ऐसे ओपन करके देखेंगे तो इसकी ये जो क्रीज है, देखो साफ साफ नज़र आ रही है ये, ठीक है। ये सेंटर लाइन, इसे हम सेंटर लाइन मान लेते हैं और इसके ऊपर हम चौक से एक निशान बना लेते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि ये हमारी सेंटर लाइन है। अब इस सेंटर लाइन से 3 इंच उस साइड में और 3 इंच इस साइड में हम निशान लगा लेंगे अपनी चौक से, ठीक है। आप ध्यान से देखिए वीडियो में, हम ये सेंटर लाइन से दोनों तरफ 3-3 इंच का निशान लगा रहे हैं, 3-3 इंच की दूरी पे। अब ये बुकरम पे बनाया हुआ हमारा नेक है, ये चमकीली साइड इस तरीके से अंदर की तरफ रहेगी, ठीक है। और ये जो मेरे 3 इंच की दूरी पे निशान लगाए थे दोनों तरफ, इन निशानों के बाहर की तरफ हमें ये गला जो है, ये जो नेक है, इसको सेट करना है। थोड़ा क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये चौक का निशान दिख रहा है डार्क, ये और ये सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर है, 3 इंच इधर और 3 इंच इधर निशान लगाया। अब हम क्या करेंगे, अपनी बुकरम को ऐसे रखेंगे, चमकीला वाला पार्ट जो है वो अंदर की तरफ रखें, निशान की बाहर की तरफ रखना है ऐसे, ये और ये भी निशान के बाहर की तरफ रखना है ऐसे, ये और ये मेरा जो नीचे के पॉइंट है देखो सेंटर में आ रहा है, ये मेरी सेंटर क्रीज लाइन है, ये सेंटर में आ रहा है, यहाँ भी ये सेंटर पे मैच हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे मैच हो रहा है, इसको अच्छे से रखें ना, हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे। प्रेस ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म प्रेस से ही जलने का खतरा रहता है, सिकुड़ जाता है ये, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको प्रेस कर लेंगे। क्लोजली दिख रहा है ना, ये सेंटर लाइन है, ये पूरा मेरा वी सेंटर में बन रहा है और ये जो पॉइंट है ये भी सेंटर लाइन पे बन रहा है, दिख रहा है ना। ऐसे नेक लगाने के बाद, प्रेस करके नेक चिपका लेने के बाद, हम साइड्स में 1/2 इंच की मार्जिन दे देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इस 1/2 इंच की मार्जिन पर इसको कट कर लेंगे। अब क्या करना है, अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स पर हम कट लगाएंगे, सिर्फ वहाँ तक कट करना है, ज़्यादा कट नहीं करना, ये ऐसे बुकरम तक कट करना है। कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको इसी शेप में ना ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर लेना है और ये जो मार्जिन वाला फैब्रिक है साइड में, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना बुकरम के किनारे किनारे, ठीक है। इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना, चाहो तो आप प्रेस भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट सिलाई भी चला सकते हो। एक पैर की सिलाई चला के इसको पूरे को हमको रोक लेना है, इसको ऐसे करके ना यहाँ पे एक पैर की सिलाई चला के लाएंगे पूरे में। कैन यू सी, यहाँ से यहाँ ये और ये पूरी एक पैर की सिलाई चला के लाएंगे। अब ये स्टिच होने के बाद ऐसा दिख रहा है, ठीक है, सामने से ऐसा है और अंदर से ऐसा है, ये पूरा स्टिच कर लिया हमने, ठीक। अब ये जो नेक है जिसको हमने अभी अभी प्रिपेयर किया है, इसको हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पैनल पे लगाएंगे। ये है हमारी कुर्ती का फ्रंट पैनल, ये है रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक, ठीक है, और इसको पलट लेंगे। ये है हमारी राइट साइड फैब्रिक की। हमने अपने फ्रंट पैनल को ऑलरेडी सेंटर में फोल्ड करके प्रेस करके क्रीज बना ली थी, उस क्रीज के ऊपर हम चौक से लाइन खींच लेंगे, जिससे कि हमें हमारा सेंटर पता रहे और गला लगाने में, अटैच करने में आसानी रहे।
अब कुर्ती पे चौक से हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली थी और नेक पे भी हमने चौक से सेंटर लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ठीक है। अब हम सेंटर लाइन से सेंटर लाइन को मैच करते हुए, कुर्ती की सेंटर लाइन एंड नेक की सेंटर लाइन को एक दूसरे से मैच करते हुए इसको अच्छे से इसके ऊपर टिकाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और पिंस लगा के इसको सेट कर लेना है जिससे कि सिलते समय ये हिले नहीं। अब हमें स्टिच करना है बुकरम के किनारे किनारे, बिल्कुल इस बुकरम की आउटलाइन करनी है और इसको नेक को अटैच करना है इसके साथ। अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं बुकरम की आउटलाइन कर रही हूँ, ना बुकरम के ऊपर सिलाई चलानी है ना बुकरम से दूर सिलाई चलानी है, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई चलानी है। ये हमने नेक अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसको इसी शेप में कट कर लेंगे, अगेन जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम एक छोटा सा कट यहाँ वी पे लगाएंगे, जो नीचे वी बन रहा है वहाँ पे लगाएंगे, और बाकी नेक पे भी छोटे 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 कट लगाएंगे नेक राउंड पे, जिससे कि हमें अपने जो नेक बनाया है उसको पलटने में आसानी रहे। पलटने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरह से बनके रेडी है। यहाँ पे हमने अपना फ्रंट नेक तुरपाई करके फिनिश भी कर लिया है। अब हम अपने बैक पैनल पे नेक कट कर लेंगे। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, ऊपर हमने रॉन्ग साइड रख रखी है। अब हम रॉन्ग साइड पे मार्किंग करेंगे, फोल्डेड साइड से 2.75 इंच की दूरी पे गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 3 इंच गले की गहराई रखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, गोलाई में शेप देंगे और कट कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नेक कट गया है, अब हम इसे और एक पट्टी से फिनिश करेंगे। राइट साइड पे हम और एक पट्टी लगाएंगे ऐसे गोलाई में और इसको अंदर की तरफ पलट के फिनिश कर देंगे। अब जिस कपड़े में से हमने नेक बनाया था उसी कपड़े में से हम बायस टेप निकाल लेंगे, यानी कि और एक पट्टियाँ निकाल लेंगे, स्ट्रेच करके देख लेंगे किस साइड में ज़्यादा स्ट्रेच है। जिस साइड में ज़्यादा स्ट्रेच है उस साइड में हम लंबी लंबी ऐसे लाइनें खींचेंगे और डेढ़ इंच चौड़ी दो पट्टियाँ कट करके निकाल लेंगे। अब जो हमने दो और पट्टियाँ काटी हैं इनको हम आपस में सिल लेंगे, जिससे कि एक लंबी और पट्टी हमें मिल जाए। हम अपनी बायस टेप को बीचों बीच हाफ में फोल्ड कर लेंगे, चाहो तो प्रेस करके इसकी क्रीज बना सकते हो, इसको पूरा पूरा फोल्ड करके बैठा लेना है। राइट साइड से रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे, लगानी कैसे है, ये ओपन वाली साइड जो है, ये जो और टेप की ओपन वाली साइड है जो ऐसे बंद करिए हमने, ठीक है। हमें यहाँ से रख के एक पैर की सिलाई लगाते हुए आना है पूरे में ऐसे करके, ठीक, एक पैर की सिलाई करके लगा के, ठीक है, जब ये सिल जाएगी फिर इसे ऐसे अंदर की तरफ पलट के फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये हम इसको स्टिच करके ले आए हैं, बायस टेप को हमने अपने नेक के साथ अटैच कर लिया है। अब ये अंदर की तरफ छोटे 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 कट लगा देंगे, जिससे कि हमें अपनी बायस टेप पलटने में आसानी रहे और हम अपना नेक फिनिश कर पाएँ। अब हम बैक पैनल के ऊपर अपना फ्रंट पैनल रखेंगे, राइट साइड फेसिंग राइट साइड करते हुए और शोल्डर अटैच करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है, और ये जो है ये यहाँ किनारी पर रख के ऐसे आप ऐसे किनारी पर रख के इसको ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे बंद करेंगे और यहाँ पे डबल स्टिच चला के लाएंगे। आया इतना समझ में आ गया ना कि हम इसको करेंगे। राइट साइड है, राइट साइड से हमने पट्टी लगाई थी, ठीक है। अब इसको पीछे की तरफ पलटा नहीं है पूरा, अब यहाँ पर हम ऐसे किनारे पर रखते हुए पट्टी को ऐसे बंद कर लेंगे, ठीक है, ऐसे किनारे पर रखते हुए पट्टी को इसकी जड़ में, गर्दन की जड़ में रख के ना यहाँ पर जो सिलाई लगाई है ऐसे रख के इसको ऐसे बंद करेंगे। यहाँ पर भी हम ऐसे करके लगा देंगे पिन, ठीक, और इसको भी हम रोक लेंगे और सिलाई करके लेंगे, तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर शोल्डर अटैच करके लाएंगे, सिल के लेके आएंगे। अब ये हमने शोल्डर अटैच कर लिया है, अब हम इसको ऐसे करेंगे तो देखो ये हमारा एकदम बढ़िया से लाइन में आ गया है। इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है, और पीछे का गला अब ऐसे ना अंदर करके या पीछे भी पट्टी को अंदर करके पूरी इस तरीके से पलट के तुरपाई कर देंगे पट्टी पे, ठीक है। साइड में अपना फिटिंग का निशान लगा लेंगे, इस साइड में मेरा निशान ऑलरेडी लगा है, इस साइड पर हम निशान लगा लेंगे। अब हम इस निशान के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करके लाएंगे, राइट साइड फेसिंग राइट साइड करके हम कपड़ा रखा हुआ है हमने अपना, डबल स्टिच करके लाएंगे। अब यहाँ साइड्स में दोनों तरफ हमने स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम बनाएंगे साइड स्लिट्स, यानी कि चाक बनाएंगे। चाक बनाने के लिए हम सबसे पहले किनारे से अंदर की तरफ एक एक इंच की दूरी पे लाइनें खींच लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद इसको पिंस लगा के हम फोल्ड कर लेंगे, पहले ये निशान लाइन तक फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके पिंस लगा के रोक लेंगे और अपने चाक स्टिच करके लाएंगे। अब ये साइड स्लिट्स हमने फिनिश कर लिए हैं, चाक फिनिश कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट नेक फिनिश है और ये बैक नेक भी फिनिश है, तुरपाई करके फिनिश कर लिया था। अब बस हमारी स्लीव्स लगानी बाकी हैं, अब हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे।
अब हम स्लीव्स के लिए जो हमने लेफ्ट ओवर फैब्रिक पहले कट करके रखा था उस फैब्रिक को दोबारा से उठा लेंगे। फिर से समझ लीजिए, ये किनारी वाली साइड है और ऊपर की तरफ से ये फोल्ड है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम फोर फोल्ड कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये फैब्रिक यहाँ ऊपर की तरफ से फोल्ड है, फोर फोल्ड में है, और नीचे की तरफ से ये चार परत हैं, 1 2 3 4, ये नीचे की तरफ से ओपन है। अब हम मार्किंग शुरू करेंगे। ये ऊपर शोल्डर लाइन मान लेते हैं, ये ऊपर की तरफ फोल्डेड साइड है, यहाँ पे हम शोल्डर लाइन मान लेते हैं और नीचे की तरफ हम आर्म होल लाइन मान लेते हैं, ठीक है। ऊपर से आर्म होल लाइन की दूरी हम रखेंगे 3.5 इंच, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज है। 3.5 इंच रख के हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और अब ये जो हमारी कुर्ती है, मैं ट्रिक बता रही हूँ कैसे एक ही बार में परफेक्ट आता है। अब ये जो कुर्ती है, ये जो फोल्डेड साइड है ना, ये फोल्डेड साइड है मेरी, ठीक है, और शोल्डर यहाँ फोल्डेड साइड पर ऊपर रखना है हमने कुर्ती का। ये मेरी कुर्ती है, ठीक है, इस कुर्ती का शोल्डर यहाँ और आर्म होल, ये जो नीचे वाला हिस्सा है आर्म का दिख रहा है ये, इसको हम यहाँ रखेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ हल्का सा स्ट्रेच करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, यहाँ से यहाँ हल्का सा स्ट्रेच करके रखेंगे और जहाँ तक आ रहा है इसको ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है, आया समझ में। ऐसे फिर दूसरी साइड का भी ले लेंगे, नाप लेंगे, मतलब बराबर ही आना चाहिए वैसे तो, लेकिन हम दोनों साइड नापते हैं, ठीक है। ये कुर्ती का शोल्डर है और ये नीचे आर्म होल वाली साइड है, ठीक, इसको ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे रखेंगे और निशान लगा देंगे, थोड़ा फर्क आ रहा है ना, ऐसे करके आ रहा है ना समझ में। ये कुर्ती का नेक है, ये कुर्ती का शोल्डर है और ये नीचे वाला आर्म होल वाला साइड है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे पकड़ना है यहाँ सिलाई पे, ये कंधे को यहाँ रखना है, ठीक, और यहाँ से ऐसे करके हमें निशान लगा देना है, ठीक है। अब हमें स्केल से यहाँ ऊपर की तरफ एक लाइन खींच लेनी है। इस पूरी लाइन को नाप लेंगे, पहले इस पूरी लाइन का आधा लगा लेंगे, हाफ में निशान लगा लेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ आधे का भी आधा निशान लगा लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये जो निशान है यहाँ से ये आधा इंच नीचे रहेगा और ये वाला आधा इंच ऊपर रहेगा, ठीक है। अब हम हल्के हाथ से इसको गोलाई में शेप देंगे, ये जो मिड पॉइंट में हमने निशान लगाया था इसको मिलाते हुए सेमी सर्कल जैसा बनेगा, ठीक है। इसको जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से शेप देके मिला लेंगे, और जो नीचे वाला जो गहराई वाला आर्म होल है उसको पहले इन पॉइंट्स को मिलाते हुए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से हम शेप देंगे, और उसके बाद इसको ऊपर ले जाके मिला देंगे। इस तरह से हमने अपने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब यहाँ नीचे की तरफ हम ओपनिंग का निशान लगाएंगे। मेरे को जो स्लीव की मोहरी है वो 5.5 इंच रखनी है, तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगाऊंगी, और कर्व स्केल जो लेग कर्व स्केल है उससे हम इसको मिला देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब स्लीव में हम 1-1 इंच की कटिंग मार्जिन दे देंगे, ठीक है। 1-1 इंच का निशान लगा के नीचे भी और ऊपर भी निशान लगा के हम अगेन लेग कर्व स्केल से शेप दे देंगे। मार्किंग करने के बाद कटिंग करेंगे। सबसे पहले बाहर बाहर कटिंग करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ ये जो बाहर वाला हिस्सा है उसको कट करेंगे। अब इसको ऐसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये गहराई वाला हिस्सा कट कर लेंगे। ये हमारी दोनों परत है, ठीक है, दो लेयर हैं स्लीव की, ये गहराई वाला पार्ट कट कर लेंगे। अब हम अपने फैब्रिक पे रॉन्ग साइड के लिए मार्किंग कर लेंगे, यहाँ क्रॉस का निशान लगा लेंगे दोनों तरफ, दोनों परतों पे, दोनों पैनल्स पे, और इनको अलग कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव की रॉन्ग साइड पे, ठीक है, अपने ये जो पैनल है इसकी रॉन्ग साइड पे नीचे की तरफ 1-1 इंच का निशान लगाएंगे फोल्ड करने के लिए, ठीक है। नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे दोनों स्लीव्स को। अब हमने अपनी स्लीव को नीचे की तरफ से फोल्ड करके फिनिश कर लिया है, इसकी हेम फिनिश कर ली है। अब हम इसको हाफ में फोल्ड करके, ठीक है, यहाँ पे ये इस वाली स्लीव पे तो पहले से ही मार्किंग थी, पहले से ही हमने निशान लगा रखा था, तो इसको हम इस निशान के ऊपर ऊपर स्टिच करेंगे। सेम निशान हम अपनी दूसरी स्लीव पे भी लगा लेंगे। ओपनिंग जो नीचे से स्लीव की नीचे से ओपनिंग है वो 5.5 इंच पे है, और ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ से लास्ट कोने में से हमने 1 इंच की मार्जिन रखी हुई थी। निशान लगा के हम कर्व स्केल से दोबारा से निशान लगा लेंगे और अपनी स्लीव्स को स्टिच करके लाएंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। हम अपनी स्लीव्स को पलट के सीधा कर लेंगे, सीधा करके यहाँ अच्छे से सीधा करके यहाँ कॉर्नर की तरफ ऊपर की तरफ हम इसमें एक एक नॉच लगा लेंगे, सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे, स्लीव्स को हम सीधा कर लेंगे और कुर्ती को हम उल्टा कर लेंगे, ठीक है। जब भी हम किसी भी गारमेंट के साथ अटैचमेंट लगाते हैं, चाहे वो स्लीव्स है चाहे कॉलर है, तो हमेशा हम अपने मेन गारमेंट को उल्टा कर लेते हैं और अटैचमेंट, जैसे कि यहाँ पर अटैचमेंट स्लीव्स हैं, स्लीव्स को हम सीधा रखेंगे। ये गहराई वाला पार्ट है फ्रंट आर्म होल, और ये उभार है बाहर को है, तो ये है बैक आर्म होल, ठीक है। अब हम स्लीव रख के देखेंगे, ये स्लीव को ऐसे लगाना है, अंदर करना है, स्लीव को ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है, ठीक है। तो ये जो है गहराई वाला पार्ट गहराई वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा, ठीक, उभार वाला पार्ट उभार वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा, ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ जुड़ेगा और ये नीचे वाला पार्ट यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे अंदर डाल लेंगे, ऐसे करके इसके अंदर कर लेंगे, ठीक, अंदर कर लेंगे, और सेंटर से सेंटर मिला के जो हमने अभी नॉच लगाया था उसको हम यहाँ मिला लेंगे, पिन लगा के रोक लेंगे, ठीक है, और
ये गहराई वाले पार्ट को गहराई वाले के साथ जोड़ते हुए पिंस लगा के रख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और ये नीचे आर्म होल के साथ इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, नीचे आर्म होल वाला पार्ट जो है, अंडर आर्म वाला पार्ट जो है उसको अंडर आर्म के साथ जोड़ेंगे, ऐसे पिन लगा के रख लेंगे, ठीक है। और अब हम अपने स्लीव को गोल गोल इस तरीके से पकड़ के, ठीक है, इस तरीके से पकड़ के स्टिच करके लाएंगे। यहाँ मैंने स्लीव को अपने मेन बॉडीज के साथ पिंस लगा लगा के रोक लिया है पूरा गोलाई में, जिससे कि मुझे बाद में सिलने में आसानी हो। चलो जी, यहाँ पे ये मेरी स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं, ठीक है। अब बस हमें नीचे से इसकी हेम फिनिश करनी है, जो हमारी कुर्ती है उसकी हेम फिनिश करनी है। जो हमारा लेफ्ट ओवर पीस बचा हुआ था, एक टुकड़ा और हमारा बचा हुआ था, उसमें से मैं लंबी लंबी 1 इंच चौड़ी 3 पट्टियाँ काट लूँगी और इसकी नीचे से हेम फिनिश कर लूँगी। बाहर की तरफ से अंदर की तरफ पलटेंगे। अगर मैं इसको डायरेक्ट फोल्ड कर लूँगी तो मेरी कुर्ती छोटी हो जाएगी। मुझे अपनी कुर्ती की लेंथ, रेडी लेंथ 30 इंच चाहिए थी, लेकिन मेरे पास कपड़ा 1.5 मीटर ही था और 1.5 मीटर में ये फोल्ड करने के बाद विद मार्जिन 30.5 आ रही थी, ठीक है। अब बनने के बाद मेरी कुर्ती की जो रेडी लेंथ है वो 29 इंच रेडी आ जाएगी जब हम पट्टी लगा के फोल्ड करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट ही फोल्ड कर दूँगी तो इस कुर्ती की लेंथ 28 इंच रह जाएगी, तो वो मुझे नहीं चाहिए। अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे मैं लेफ्ट ओवर फैब्रिक में से लंबी लंबी पट्टियाँ काट रही हूँ, 1 इंच चौड़ी 3 पट्टियाँ मैंने कट करी हैं, उनको आपस में जोड़ा है और अपनी कुर्ती को नीचे से इसकी हेम फिनिश कर ली है। और यहाँ पर ये मेरी पूरी की पूरी कुर्ती बन के फिनिश हो गई है, ठीक है। ये रही नीचे से हेम इसकी, जो हमने पट्टी लगा के फोल्ड करी है, फिनिश कर ली है। ये रही इसकी स्लीव, स्लीव भी फिनिश है। और ये रहा इसका नेक, नेक फ्रंट नेक एंड बैक नेक हमने तुरपाई करके फिनिश कर लिया था। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। सी यू सून विद अनदर वीडियो, टिल देन बाय।